ना सदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था जब आर्य भारत आए तब एक विकसित संस्कृति पहले से यहां मौजूद थी। दक्षिण और शायद उत्तर में भी द्रविड़ सभ्यता फल फूल रही थी। दक्षिण की भाषाएं संस्कृत से नहीं निकली लेकिन वो बहुत पुरानी हैं और उनमें साहित्य का अनमोल जखीरा पाया जाता है। हिमालय और दो सागरों के बीच में फैले हिंदुस्तान का आकार तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तरी भारत समंदर से बहुत दूर है। पुराने जमाने में उत्तर के बाशिंदों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी भूमि सरहदों की थी, जिन्हें लांघ कर दुश्मन और हमलावर आया करते थे। लेकिन भारत के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समंदर का लंबा किनारा है। दक्षिण की ओर हिंदुस्तान संवरा कर सिकुड़ता जाता है और कन्याकुमारी में पूरब और पश्चिम के दोनों किनारे मिल जाते हैं। समुद्री तट पर बसने वाले कुदरती तौर से समंदर से जीविका भी पाते थे। मौर्य काल के शुरू से ही जहाज साजी एक विकासशील उद्योग था। दक्षिण भारत अपनी उम्दा दस्तकारी और उत्पादन के लिए मशहूर था, जिनका वहां से समुद्री व्यापार हुआ करता। दक्षिण के राज्य की समुद्री शक्ति समृद्ध थी और उनके जहाज दूर के मुल्कों तक सामान ले जाते, काल्दिया, बाबिलोन, मिस्र, यूनान और बाद में रोम। जिस समय उत्तर भारत में बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ रही थी तब तक दक्षिण भारत में पाषाण युग ही चल रहा था। तमिलनाडु में ऐतिहासिक सभ्यता लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब दूर दक्षिण में चोला, पांड्या और चेरा राज्यों की स्थापना हुई। उस दौर में दक्षिण भारतीय कबीले सत्ता पर केंद्रित राज्यों में तब्दील हो रहे थे। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में सिलसिलेवार जानकारी सबसे पहले संगम काल के साहित्य में मिलती है। ये दौर पहली से चौथी सदी ईस्वी तक माना जाता है। तमिल परंपरा के अनुसार तीन साहित्यिक संगम मदुरई में हुए थे। दक्षिण में साहित्यिक संगमों की पुरानी परंपरा थी, जिसकी मिसाल उत्तर भारत में नहीं मिलती।
तमिल संगम के कवि लोक साहित्य के काफी करीब हैं। दरबारी संस्कृत साहित्य से बिल्कुल अलग। किसान का जीवन, गांव का माहौल, शहर का भीड़ भड़का और युद्ध की बेरहमी, इन सब का अनुभव करके ही ये कविताएं लिखी गई हैं। संगम काल की कविताएं दो तरह की थीं, अकम और पुरम। ये अकम कविता की एक मिसाल थी। अकम यानी अंदरूनी, भावनाओं की, प्रेम की अंतरंग कविता। पुरम कविता इससे काफी अलग होती है। पुरम यानी बाहरी, सार्वजनिक, जिसमें राजाओं और युद्ध का वर्णन होता है। सीने को अदबान चलाता सूझा तेजी से, चर्मकार की खरनी व्याकुल प्रसव वेदना से, सीने को अदबान चलाता सूझा तेजी से, बरसीली बदली के पीछे रवि कुमलाया रे, आया हंसता गाता आया उत्सव आया रे, उत्सव आया रे, बरसीली बदली के पीछे रवि कुमलाया रे, आया हंसता गाता आया उत्सव आया रे, उत्सव आया रे। बिजली वैसी राजा की तलवार, राज जीतने आया दुश्मन भाग रहा है हार, गिरती हर पल बिजली वैसी राजा की तलवार, राज जीतने आया दुश्मन भाग रहा है हार, कमल हार ने राजा का सीना चमकाया रे, आया हंसता गाता आया उत्सव आया रे, उत्सव आया रे। पुरानी परंपरा के मुताबिक दक्षिण भारत जाने वाले पहले मनुष्य ऋषि अगस्त्य थे, जो आर्य धर्म और संस्कृति अपने साथ लेकर गए। इससे पहले जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो वो द्रविड़ संस्कृति में से काफी कुछ अपना चुके थे। इस तरह द्रविड़ और आर्य जातियों के आपसी आदान प्रदान से ही भारत की मिली जुली सभ्यता का विकास हुआ। छठी सदी ईस्वी तक तमिल प्रदेश पर संस्कृत का काफी असर हो चुका था और वहां की काव्य शैली तेजी से बदलने लगी। तमिल कवि लंबी कविताएं लिखने लगे जिन्हें संस्कृत नाम काव्य से जाना गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन महाकाव्य है शिलप्पदिकारम यानी सुहाग के नुपुर। साहित्यिक शैली में रचा यह महाकाव्य फिर भी आम जीवन के काफी करीब है। ये माना जाता है कि ये रचना पहली दूसरी शताब्दी में इलंगो अडिगल ने रची थी, जो चेरा राजा शेंगुट्टू वन के भाई थे, मगर हो सकता है कि इसे कई सदियों बाद लिखा गया। अमर राज कुल के गौरव की, जिसे उठाकर सिर पर
जो पुकार नगरी के जय हो राज्य के बंदरगाह पुहार में मणिकन नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जो कई जहाजों का मालिक था। उसकी बेटी कन्नगी बहुत खूबसूरत थी। पुहार में ही मां शट्टुवन नामक एक धनी व्यापारी भी था। उसका बेटा कोवलन एक 16 वर्षीय युवक था। कोवलन और कन्नगी के माता पिता ने उन्हें विवाह सूत्र में बांधने की ठानी। छोटे से नए फूल प्यारे छोटे से नए फूल धन्य भाग्य मेरे कि तुम्हें पाया मैंने। अमृत के वरदान से विचित्र सागर मंथन के अमृत कलश से भी दुर्लभ स्वर्ग की अप्सराएं लज्जा से मुंह छिपा लें ऐसा सौंदर्य। अरे तुम्हें इन आभूषणों और फूल मालाओं की क्या आवश्यकता जो सौंदर्य को बोझिल करके स्वयं ही खुल उठे। तुम्हारा सौंदर्य तो स्वयं ही एक आभूषण है खरा पवित्र अद्वितीय। कितनी शांति है बाहर भी मन में भी। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है कन्नगी। तुम सुखी तो हो? आपके सुख में मेरा सुख है। मैं बहुत सुखी हूँ। तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगी? क्षमा कीजिए किसी और संगीत सभा में आपके साथ चलूंगी। अच्छा देर हो जाए तो चिंता मत करना। कैसे नहीं करूं? अच्छा ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये रही वो जगह। ठीक है तुम जल्दी तैयार करो ज्यादा समय नहीं है। आप चिंता न करें ऐसा सुंदर मंच बनाऊंगा कि माधवी का रूप चंद्रमा जैसे दमक उठेगा। ध्यान रहे महाराज पधारेंगे। धन की चिंता न करो जितना चाहे लगाओ लेकिन मंच ऐसा बनना चाहिए। आप बेफिक्र रहें मैं मंच उत्तम और शास्त्रों के अनुसार बनाऊंगा। आरंभ करो। हे भगवान सब शुभ मंगल ही हो। सब शुभ मंगल ही होगा। सबको पता है माधवी इस नगर की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी है और सुंदरता में भी किसी से कम नहीं। आज हमारा भाग्य अच्छा है जो एक सदी हुई नर्तकी का आरंगेत्रम देखने का अवसर मिला है। जहाँ आप जाते हैं वहाँ इतनी अच्छी नाचने वाली नहीं होती क्या?
सुना है पुहार भर में सबसे अच्छी नर्तकी है, अब स्वयं ही देख लेते हैं। सब सुरक्षित है स्वामी, 20 बक्से हैं, एक भी नहीं टूटा। अरे वाह, रोम की सर्वोत्तम मदिरा, इनके बदले अच्छे दाम मिलेंगे हमें। अच्छा ये लो, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको अपने पास संभाल कर रखना, और कुछ भुगतान करने हैं वो भी कर देना। जी। ये शोर कैसा हो रहा है, तुम यही ठहरो, मैं जरा देख के आता हूँ। सुनो 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 नगर के व्यापारियों, सुनो और सुनो नगर के धनिक जन, सुनो सुनो नगर के छह से भी लो, सुनो जो भाग्यवान 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा उसे ये वरमाला मिलेगी और वही मेरी माधवी का स्वामी होगा। बोलो चलोगी 500 में? 500 वाले पोखर में मुंह धोकर आए, 1000 स्वर्ण मुद्रा है, बोलो कौन है वो भाग्यवान, बोलो। अरे दे दे माधवी जी से ऐसी सुंदरी कहाँ मिलेगी, कौन ये तुम मोह लगा? ठीक है ठीक है, गिन के दे।
अंदर मुंह चला। लाओ इधर लाओ इन्हें। क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? 995, 996। और 998। ये रही एक सहस्त्र मुद्रा, गिन लो। लेकिन मैंने पहले कहा है भाई। नहीं, इनकी स्वर्ण मुद्राएं मेरे हाथ में पहले आई। बोलिए स्वामी, आप माधविया को लेने स्वयं जाएंगे या किसी को भेजेंगे? अभी चलेंगे। चलिए। इंदुवदन मंजु मदन आया, इंदुवदन मंजु मदन आया, गली गली ताकता द्वार द्वार जागता, गली गली ताकता द्वार द्वार जागता, नील ध्वजा पहराता लहराता आया, नील ध्वजा पहराता लहराता आया, इंदुवदन मंजु मदन आया, इंदुवदन मंजु वलन ने माधवी को अपनी बाहों में लिया, तब वो उसके सौंदर्य और गुणों पर मुक्त हो गया। उसे अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ और वो बाकी सब कुछ भूल गया, अपनी पत्नी, अपने घर बार को भी। इस तरह कई दिन बीत गए। लघु पर्ण गोखरु के प्यारे, लघु पर्ण गोखरु के प्यारे, प्यारे छोटे से नए फूल, प्यारे छोटे से नए फूल, लघु पर्ण गोखरु के प्यारे, पहले तो ढकते स्वामी को गए बहुत दिन हो गए, मैं जाऊं आपका संदेश लेकर? कितना दयालुता मेरा प्रिय, कितना दयालुता मेरा प्रिय, दांत मैं फिर जीत गई। कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है जीतने की। देखिए पासा अक्का, क्या है वसंत माला? स्वामी के घर से दासी आई है। क्या कर रहे? कोई जरूरी संदेश है।
जरूरी संदेश? यहाँ क्यों आई? अम्मा ने कहा है बहुत दिनों से आप घर नहीं आए, आज आएंगे क्या? बस जी स्वामी। ठीक है, सुन लिया, जाओ। अम्मा से क्या कहूँ, आप आएंगे? नहीं। अरे आप गए नहीं? मैं जाने के लिए नहीं उठा था। मैं समझी आप बहुत उदास हो गए तुम। मैं क्यों उदास होने लगी, मुझे लगा शायद मन भर गया है आपका मुझसे, इसलिए। मन तुम्हारा भर गया है मुझसे, इसीलिए चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम्हारे हाव भाव से ही दिखता है ये। मैं तो हंसी की थी और आप? मेरा धन खत्म होने के बाद ही तुम्हें हंसी तुझी। भगवान के लिए आरोप न लगाइए। बस करो, तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है, छल कपट स्वार्थ, तुम्हें तो सिखाया ही जाता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। स्वामी बस बंद करो ये खेल, अब इसमें कोई रस नहीं रहा, किसी और को ठगने का जाल बिछा। रुक जाइए स्वामी। सुनो, क्या है स्वामी? है नाटक ना करो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि स्वामी यहाँ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वो चला भी गया था तो तुम यहाँ क्यों आई हो? वो यहाँ आने वाला है नहीं, इस घर के दरवाजे उस कपूत के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कुल की मर्यादा उसने धूल में मिला दी, और वो भी इस नर्तकी के कारण। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बड़ा कम स्वामी, कई महीनों से व्यापार ठप है, हमारे ग्राहक दूसरे व्यापारियों के पास चले गए, बिक्री के लिए माल नहीं, भुगतान के लिए स्वर्ण नहीं, बाजार में साख नहीं रही, हम कहीं के नहीं रहे स्वामी, कहीं के नहीं। अब मैं आ गया हूँ, चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। ने वापस बुलाया है। और कुछ? क्षमा मांगी है, भूल हो गई। जब से आप आए हैं न खाया न पिया, हृदय न तोड़िए, क्षमा कर दीजिए स्वामी, वापस चलिए। जाकर कहना अपनी अक्का से, मुंह से निकली हुई बात जैसे वापस नहीं आती, मैं भी नहीं आने वाला, ये निर्णय है मेरा। अक्का तड़प तड़प कर मर जाएगी। ऐसा ही सही। कन्नगी, कन्नगी, कन्नगी। देवंदी अम्मा, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम फिक्र ना करो, मेरे स्वामी भी मुझे छोड़कर तीर्थ यात्रा को चल दिए, पर तुम्हारे स्वामी तो बुहार में ही हैं, आ जाएंगे। तुम्हारी बात सही हो, परंतु मुझे रात को तरह तरह के डरावने सपने आते हैं। कल रात को ही मैंने देखा कि मैं और मेरे स्वामी कहीं दूसरे नगर में जा रहे हैं, वहां पर कुछ लोगों ने मेरे स्वामी पर आरोप लगा दिया और उन्हें झूठे अपराध में फंसा दिया। तभी मैंने देवी का रूप धारण कर लिया और क्रोध में
राजा और नगर को सर्वनाश का श्राप दे दिया। लगता है पिछले जन्म में कोई मनौती अधूरी रह गई। पूर्व जन्म के कर्मों का फल है ये। मुक्ति का है एक उपाय, उस पवित्र स्थान के दर्शन करो जहाँ कावेरी सागर को जा मिलती है। वहाँ दो ताल हैं, सूर्य ताल और चंद्र ताल। उन दोनों तालों में जाकर स्नान करो और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। ब्याहता स्त्री के लिए उसका पति ही उसका परमेश्वर होता है। पूजा के लिए उसे किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। Thank you.
जब पूर्ण चंद्र का राजा छत्र धारण कर चोल राज जब पूर्ण चंद्र का राजा छत्र धारण कर लौट रहे हो दूर देश से न्याय स्थापना कर देख सुरंगा गंगा को यदि मदन ताप जाए पर डूब जाए कामोप भोग में यदि सब कुछ बिसरा कर कहते हैं जन ओ मीनाक्षी कहते हैं जन ओ मीनाक्षी इस पर मत विचलित हो क्योंकि वही सतबंदी नारी जिसके मुख पर स्मित हो चोल राज जब पूर्ण चंद्र का राजा छत्र धारण कर लौट रहे हो दूर देश से न्याय स्थापना कर चोल राज जब पूर्ण चंद्र का राजा छत्र धारण कर जब धवल पुष्प का राजा छत्र धारण कर चोल राज जब धवल पुष्प का राजा छत्र धारण कर दूर देश में अभय दया का जाते हो देने वर अगर कुमारी कन्या को भारत के धुर दक्षिण में अगर कुमारी कन्या को भारत के धुर दक्षिण में वे ब्याहे तो प्रिय कावेरी दुखी न हो न मन में कहते हैं जन ओ मीनाक्षी कहते हैं जन ओ मीनाक्षी इस पर मत विचलित हो क्योंकि वही सतबंदी नारी जिसके मुख पर स्मित हो चोल राज जब पूर्ण चंद्र का राजा छत्र धारण कर लौट रहे हो दूर देश से न्याय स्थापना कर चोल राज जब पूर्ण चंद्र का राजा शायद कोई दूसरी स्त्री भी है ऐसा नहीं हो सकता अक्का जा रे जा मति मंद हंस उस नारी संग तेरी बराबरी कैसी तू चाल नहीं चल पाएगा उसकी जैसी जात उसका शिकार है पुरुष जात उसका शिकार उसके पीछे वो बार बार उसके पीछे वो बार बार है पुरुष जात उसका शिकार उसके पीछे वो चढ़ी चढ़ी लहरों
ढल पाएगा उसकी जैसी। चाल नहीं चल पाएगा उसकी जैसी। सूरज छिपा अंधेरा फैला दुखियारी धरती पर। सूरज छिपा अंधेरा फैला दुखियारी धरती पर। अंत नहीं अब मेरे दुख का आंखें आई है भर। आंखें आई है भर कली का गुंफित हलकों वाली। सखी बता समझा कर सखी बता समझा उसी देश से छन कर। हाँ बसेरा किए हुए हैं प्रीतम मुझसे छिप कर। प्रीतम मुझसे छिप कर अचानक आया दल दल में से बालक एक अचानक। अम्मा 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 स्वामी आ गए। अम्मा स्वामी आ गए। एक उल्टा के मोहजाल में फंसकर अपना घर छोड़कर चला गया था। अब तो अपने घर वापस आ गया ना स्वामी। हाँ पुरखों की सारी धन संपदा लुटाने के बाद दारिद्र्य लेकर लौटा हूं मैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये रत्न जड़ित पायल भी तो आप ही की अमानत है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं तुम जैसी पतिव्रता स्त्री के योग्य नहीं और अब पुहार में रहने लायक भी नहीं रहा। किसी और नगर जाऊंगा और वो धन संपत्ति फिर से वापस लाऊंगा जो मैंने लुटाई है इसी पूंजी से। कहां जाने का विचार है? मदुरै जाऊंगा, बड़ा नगर है। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं कन्नगी, रास्ता बहुत कठिन है, पग पग पर मुश्किल है। मैं सब सह लूंगी। सोच लो। सोच लिया है, मैं आप ही के साथ रहूंगी। तो अभी रात में ही निकलना होगा। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं, आप मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खत्म हुआ दहलाता सपना पतिव्रता साध्वी का। खत्म हुआ दहलाता सपना पतिव्रता साध्वी का। शब्द निरर्थक श्याम लोचन मदिर माधवी का। शब्द निरर्थक श्याम लोचन मदिर माधवी का। अंधकार को काटे सूरज इससे पहले दोनों। इससे पहले दो
हाथ सजोए आदेश नियति का, आदेश नियति का, आदेश नियति का। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेका आसीत्, सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर, जिसके बल पर तेजो मैं है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदे कर, ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। पहली है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हविदे कर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हविदे कर।